फॉर कमिंग ऑन माई यूट्यूब द वीडियो थैंक हेलो गाइस आज हम आपको सॉल्व करने जा रहे हैं पॉलिनोमियल न्यू चैप्टर है चैप्टर टू के बारे में आज हम आपको बता रहे हैं तो इस चैप्टर के बारे में पहले हम डिस्कस करेंगे उसके बाद इसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे चैप्टर क्या है चैप्टर के बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे तो अगर आप मेरे साथ कॉपी पेन लेके बैठते हैं तो बहुत अच्छा अच्छे से आप समझ सकते हो जो भी पॉइंट आपको अच्छे लगे उनको आप नोट डाउन करें समझें उनको कि हम पॉलिनोमियल क्या है ठीक है चलिए देखिए सबसे पहला चैप्टर है पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल क्या मीन्स क्या होता है पॉलिनोमियल्स को हिंदी में कहते हैं बहुपद ठीक है बहुपद। अब ये मैंने जो इक्वेशन लिखा है ये बहुपद का इक्वेशन है ठीक है ए ज़ीरो ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर ए थ्री एक्स क्यूब ए एन एक्स पे पावर एन इस तरह की सिचुएशन बहुपद पॉलिनोमियल के इक्वेशन में आती है जहाँ पर ये जो नंबर्स दिए हैं पॉलिनोमियल्स में वे ए जीरो ए वन ए टू ए एन आर रियल नंबर मैंने आपको पहले भी बता चुके हैं कि रियल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं रियल नंबर में आपका नेचुरल नंबर आता है आपका होल नंबर आता है हक़ा आपका इंटीजर नंबर आते हैं ठीक है इंटीजर नंबर आते हैं आपके ठीक है और आपके रेशनल नंबर आते हैं और आपके इरेशनल नंबर आते हैं ये सब आपके रियल नंबर में आते हैं यानी ए ज़ीरो ए वन ए टू ए एन आर रियल नंबर एंड एक्स आर नन नेगेटिव इंटीजर ठीक है आपको ये बात समझ में आ गई ठीक अब पॉलिनोमियल को समझने से पहले मैं एक बात और बताना चाहूँगा पॉलिनोमियल के पोते को पॉलिनोमियल्स के जो पॉलिनोमल्स क्या होते हैं सबसे पहली बात देखिए पॉलिनोमियल को पहचानेंगे कैसे हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये पॉलिनोमियल्स फंक्शन है या नहीं है तो ये जैसे ये मेरे सामने लिखा है जैसे पॉलिनोमियल के बारे में वैसे हम नाइन्थ में भी इसके बारे में हमने डिस्कस किया है लेकिन हम फिर दे फिर से यहाँ पर आपको बताना चाहेंगे कि पॉलिनोमियल को हम पहचानेंगे कैसे जैसे ये सारे फंक्शन ही होते हैं जैसे मैं आपके सामने यहाँ पर लिख दे रहा हूँ जैसे चलिए पहले हम इसको डिस्कस करें चार को तब तो उसके बाद हम पोलिनोमियल के बारे में बताएंगे कि को हम पहचानेंगे कैसे बहुत आ, बहुत उम्दा प्रश्न है कई बच्चे को मैंने देखा है वो पढ़ तो लेते हैं चैप्टर को लेकिन वो पहचान नहीं पाते कि पॉलिनोमियल ये है या नहीं है है ना तो चलिए हम पहले ये आपने समझ लिया कि नेचुरल नंबर होल नंबर इंटीजर नंबर और आपका रेशनल नंबर और आपके इरेशनल नंबर ये सारे नंबर आपके रियल नंबर में आते हैं एंड एक्स आर नॉन नेगेटिव इंटीजर ये पॉजिटिव होता है ठीक है एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है ठीक है ए ज़ीरो ए वन ए टू ए थ्री ये सारे आपके रियल नंबर है चलिए पहले हम इसके बारे में समझते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल टाइप्स वैसे सबसे मैंने इसकी खास खास टाइपों को ही लिखा है सबसे पहला है लीनियर पोलिनियल लीनियर पोलिनियल्स का मतलब होता है कि इस जो भी फंक्शन आएगा उस पर एक पावर आनी चाहिए उसकी घात जो होनी चाहिए वो एक होनी चाहिए लीनियर पोलिनोमियल्स का मतलब ये होता है ए पॉलिनोमल ऑफ डिग्री वन इज़ कार्ड ए लीनियर पॉलिनोम अब इसका जो एग्ज़ाम्पल है जैसे ए एक्स प्लस बी ठीक है यानी कोई भी कोई भी एग्जाम्पल हम उठाएं उस पर पावर जो एक्स पर आएगी वे एंड एक्स आर नगेटिव इंटीजर ए और बी तो रियल नंबर है ए और बी तो रियल नंबर है यहाँ पर जो एक्स की वैल्यू है एक्स की घात ले रहे हैं वो आपका कैसा है वो एक पावर आनी चाहिए लीनियर पॉलिनोमियल के अनुसार ठीक है और भी उदाहरण हम ले सकते हैं जैसे सेवन एक्स ठीक है जैसे आपका फाइव एक्स प्लस थ्री इस तरह के कोई भी हम लीनियर पॉलिनोमियल में इस तरह के नंबर को लिख सकते हैं क्वाड्रिक पॉलिनोमियल होता है जिसकी पावर दो हो जिसकी डिग्री दो हो ठीक है यहां पर इसकी डिग्री वन ठीक है इसकी डिग्री क्वाड्रिक का मतलब ही होता है डिग्री टू यानी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी ठीक है ए बी सी आपके रियल नंबर हो गए एक्स आपका इंटीजर नंबर है जिस पर पावर दो है तो ये क्वाड्रिक पॉलिनोमियल बोला जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है आपको थोड़ी थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है जिसकी डिग्री तीन होती मैक्सिमम डिग्री तीन होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी ये आपका क्यूबिक पॉलिनोमियल है ठीक है क्यूबिक पॉलिनोमियल में मैगजिम पावर तीन होती है ठीक है और ए बी सी डी आपके रियल नंबर है एक्स आपके नन नेगेटिव इंटीजर नंबर है ओके बाईक्वाडर एक होता है आपका डिग्री इसकी फोर होती है जिसकी डिग्री फोर होती है तो एक्स पावर फोर प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई ये आपका बाई क्वाड्रिक पॉलिनोमियल है यानी जिसकी मैक्सिमम पावर फोर जिसकी मैक्सिमम पावर फोर है वो बाई क्वाड्रिक है ठीक है अब मैं आपको फिर से मैं वही पहुंच रहा हूं आपके पास मैंने आपसे अभी बोला था कि पॉलिनोमियल्स मैंने आपको पॉलिनोमियल्स का इक्वेशन बता दिया कि ये पॉलिनोमियल्स का इक्वेशन लिखा है ए जीरो ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर ए थ्री एक्स क्यूब एंड सो ऑन ए एन एक्स पावर एन ओके वे आर ए जीरो ए वन ए टू एन आर रियल नंबर रियल नंबर के बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि रियल नंबर होते हैं नेचुरल नंबर होल नंबर इंटीजर नंबर रेशनल नंबर इरेशनल नंबर ये सारे रियल नंबर एंड एक्स आर नॉन निगेटिव ठीक है मैंने आपको इन डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में भी समझा दिया कि ये ये ऐसे ऐसे पॉलिनोमियल आते हैं अब आपके सामने पॉलिनोमियल आ जाए ठीक है आपके सामने पॉलिनोमियल आ जाए ठीक है और आपसे पूछा जाए क्या ये पॉलिनोमियल है मैं आपको एक एग्जाम्पल बता रहा हूं क्या ये पॉलिनोमियल है जैसे आपके सामने में कोई नंबर लिख देता हूं ओनली फोर मैं आपसे पूछता हूं क्या ये पॉलिनोमियल है मैं आपको दस सेकेंड का समय दे रहा हूं आपके दिमाग में आ रहा होगा यस yes. या नो ठीक है आप कई लोग जो वीडियो को देख रहे हैं वो कह रहे होंगे हाँ पॉलिनोमियल है कई लोग कह रहे होंगे नहीं है ठीक है तो मैं दोनों की बात बता दे रहा हूँ देखो अगर फोर के बारे में डिस्कस करें हम ठीक है फोर पॉलिनोमियल है पहली बात तो आप समझ लीजिए फोर पॉलिनोमियल होता है फोर पॉलिनोमियल कैसे होता है देखिए यहाँ पर जैसे ए पे पावर जीरो अगर मैं इस टर्म को इसके साथ लिख दूँ तो इस पर कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इस नंबर पर फोर पर क्यों नहीं इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि किसी भी रियल नंबर किसी भी इंटीजर नंबर पर जै, जैसे यहाँ पर मैं एक्स एक्सपो पावर जीरो लिख देता हूँ चलिए किसी भी नंबर पर अगर जीरो पावर होती है किसी भी नन नेगेटिव इंटीजर पर जीरो पावर होती है तो उसकी वैल्यू कितनी होती है उसकी वैल्यू वन होती है यानी ये इसकी जो आंसर आएगा वो फोर ही आएगा अब देखिए यहाँ पर थोड़ा मैं और डिस्कस करूँ थोड़ा और डीपली बता दूँ आपको पॉलिनोमियल में ए ज़ीरो ए वन एक्स ए टू एक्स स्क्वायर ए थ्री एक्स क्यू ए एन एक्स पावर n है ना यहाँ पर जो भी पावर आ रही है वो एकदम क्लियर आ रही है एग्जैक्ट आ रही है पूरी आ रही है यानी कोई भी आधी पावर नहीं आ रही आधी पावर का मतलब समझते हो वन वाई टू थ्री बाई टू फाइव बाई टू सेवन टू है ना इस तरह का कोई भी पावर नहीं है थ्री बाई फोर फाइव फाइव बाई फाइव फाइव बाई फोर है ना इस तरह का कोई नंबर हमारे इस पॉलिनोमियल फंक्शन में नहीं है पॉलिनोमियल क्या कहता है पॉलिनोमियल कहता है कि पूरे जितनी भी पॉलिनोमियल लिखे जाते हैं जितने भी पॉलिनोमियल लिखे थे वही नंबर पॉलिनोमियल होते हैं जिनकी पावर पूरी पूरी होती है अगर इस तरीके से पॉलिनोमियल आपको लिखना लिखा हुआ मिल जाए जैसे ये लिखा है सेवन एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स पे पावर वन वाई टू प्लस थ्री तो ये पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि इस पर पावर कितनी है हाफ और पॉलिनोमियल इस चीज़ को फॉलो फौ, नहीं करता तो आप समझ गए होंगे पॉलिनोमियल फंक्शन कि जिस जिस भी समीकरण में जिस भी इक्वेशन के अंदर अगर पूरी घात आती है तो वह पॉलिनोमियल है अन्यथा व पॉलिनोमियल नहीं है जैसे यहाँ देख रहे हो कि एंटीजर नन नेगेटिव एंटीजर पर कैसी पावर आ रही है एक आ रही है दो आ रही है तीन आ रही है चार आ रही है पाँच आ रही है यानी आप समझ लीजिए अच्छे से मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ पॉलीनोमियल्स के अंदर पॉलीनोमियल्स जो इ के पॉलीनोमियल्स जो चैप्टर है पूरा इतना बड़ा चैप्टर इतना इतना इसके अंदर इतना इतना है इस, इसको समझने के लिए कि आप समझिए कि ये हर क्लास में आपको पॉलिनोमियल फंक्शन मिल जाएंगे क्योंकि बिना पॉलिनोमियल फंक्शन से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते तो पॉलिनोमियल की पहचान करना बहुत आवश्यक है चलिए अब हम जीरो पॉलिनोमियल्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लें हमने आपको बता दिया कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं पॉलिनोमियल्स को हम कैसे पहचानें तो ये नंबर भी आपका पॉलिनोमियल है ये ऐसे नंबर पॉलिनोमियल नहीं होते ठीक है दैट इज नॉट दैट इज नॉट पॉलिनोमियल ये पॉलिनोमियल नहीं है ओके चलिए अब आप जीरो पॉलिनोमियल्स के बारे में देखिए ए रियल नंबर इज कॉल्ड ए जीरो पॉलिनोमियल्स पी एक्स अब जैसे सपोज़ मानिए आपके सामने कोई पोलीनोमियल्स फंक्शन दे दिया इन्होंने इस तरह से कोई फंक्शन दे दिया है प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो इसमें जो जो रियल नंबर हैं जैसे रियल नंबर आपके ए बी सी हैं इसकी जगह हमने इसको अल्फ़ा के नाम से अगर पुट कर दिया यहाँ पर देखिए जीरो पोलिनियल्स के बारे में थोड़ा बात करते हैं जीरो पोलिनोमियल्स क्या है जैसे ए रियल नंबर अल्फ़ा ए रियल नंबर अल्फा इज कॉल्ड ए जीरो पॉलीनोमियल्स पी एक्स पी अल्फ़ा इक्वल जीरो सपोज मानिए जैसे हमारे सामने कोई भी कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है जैसे ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स है ना ये लिखा हुआ है हमारे सामने हमें इसका पॉलीनोमियल्स जीरो पॉलीनोमियल्स ज्ञात करना है तो जीरो पॉलीनोमल्स को फाइंड करने के लिए सबसे पहले इस फंक्शन को हम पी एक्स के बराबर मान लेंगे या फिर एक्स बराबर अल्फा रख के इस वैल्यू को बराबर जीरो रखेंगे ठीक है तो क्योंकि पहले हम इसको पी एक्स के पहले हम पी एक्स के बराबर इसको मानेंगे और फिर इसके जगह एक्स की जगह रिप्लेस कर कर अल्फा को पुट कर देंगे ठीक है तो या ऐसे ही फिर पी एक्स को जीरो मानकर एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल जीरो के बराबर फाइंड करेंगे फिर इसके पॉली इसके जीरोस निकालेंगे यानी नि इसके शून्य निकालेंगे है ना अब यहाँ जरा देखिए सेकेंड पॉइंट जो मैंने लिखा है ए पॉलीनोमियल ऑफ डिग्री एन यानी एक ऐसा पॉलीनोमियल जिसकी पावर एन है कैन हैव ए मस्ट एन जीरो अगर किसी भी पॉलिनोमियल फंक्शन की डिग्री एन है तो उसके मोस्ट एन जीरोस होंगे अगर किसी की दो घात हैं जैसे यहाँ लिखा है सो ए क्वाड्रिक पॉलीनोमियल कैन हैव कैन हैव एट मोस्ट टू जीरो लिखा हुआ है तो इसका मतलब है क्वाड्रिक जो पॉलिनोमियल होता है उस पर पावर दो होती है जैसे मैंने ये लिखा हुआ है क्वाड्रिक पॉलिनोमियल यहाँ पर घात कितनी है यहाँ पर पावर डिग्री है दो तो इसके जो जीरोस आएंगे वो टू आएंगे एंड ए क्यूबिक पॉलिनोमियल कैन हैव एट मोस्ट थ्री जीरो यानी इसका मतलब है अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम फाइंड करते हैं तो उसके तीन जीरोस आएंगे तीन जीरोस से मतलब होता है एक्स की जो वैल्यू आएगी वो दो दो आएंगे दो पद दो टर्म आएंगे ऐसे आ सकते हैं ना दो टर्म आएंगे यानी दो वैल्यू आएंगी एक्स की यहाँ पर तीन वैल्यू आएंगी ओके यहाँ पर तीन वैल्यू आएंगे एक दो तीन यहाँ पर दो टर्म आएंगे ठीक है ऐसे ही वाई क्वाड्रिक पॉलिनोमियल को हम सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर चार वैल्यू आएंगी चलिए यहाँ पर देखिए इफ अल्फा एंड बीटा बीटा आर द जीरो ऑफ क्वाड्रिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी देन जैसे सपोज मानिए हमने कभी कभी क्या होता है कभी कभी पॉलीनोमियल फंक्शन ना दे के क्वार्टिक पॉलीनोमियल फंक्शन ना दे के उनके शून्य दे दिए जाते हैं उनके जीरोस दे दिए जाते हैं जीरोस से मतलब होता है उनकी वैल्यू दे दी जाती है ठीक है तो यहाँ से जैसे यहाँ पर एक पॉलीनोमियल फंक्शन दिया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी दिया हुआ है ठीक है और इसके ये शून्य पहले से हमने मान लिए हैं या इनके दे दिए गए हैं तो एक फंक्श एक फॉर्म होती है एक फॉर्मूला होता है जिसे हम कहते हैं एडिशन ऑफ जीरोस यानी एडिशन ऑफ जीरो इन दोनों का अगर हम योगफल करते हैं इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो ये वैल्यू माइनस बी अपॉन ए के बराबर आती है इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं ये दोनों जो जीरोस हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये वैल्यू आती है सी अपॉन ए और माइनस बी अपॉन ए अब अगर तीन जीरो हो एक अल्फ़ा कॉमा बीटा एंड गामा आर द जीरो ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल तो फंक्शन हमारा ये होता है अब इसमें तीनों जीरोस को अगर जोड़ते हैं तो फॉर्मूला बनता है हमारा ये वाला ओके माइनस बी अपने अगर दो दो आ, दो दो जीरोस का प्रोडक्ट करते हैं अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा तो फंक्शन बनता है सी अपॉन ऑन ए और तीनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फंक्शन बनता है माइनस डी अपॉन ठीक है ये फॉर्म है आपको आगे आएंगी हमने अभी यहाँ पर बता दिया पॉलिनोमियल के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे तो हमने इस अपने पॉलिनोमियल्स के बारे में बता दिया एक्सरसाइज 2.1 आप देख लीजिए एक्सरसाइज 2.1 क्या कहना चाह रही है एक्सरसाइज 2.1 क्या है तो यहाँ देखिए एक्सरसाइज 2.1 पॉइंट वन ऑफ बाई पी एक्स पी एक्स से मतलब है पॉलिनोमियल फंक्शन इन्होंने कोई दे रखा है जो एक्स आर गिविन इन फिगर बिलो फॉर सम पॉलिनोम पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरो पी एक्स इन ईच केस पी एक्स की बात कर रहे हैं यानी एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर एक्स एक्सिस की ये बात कर रहे हैं ठीक है यानी यह या हमने एक हमने ये यह यहाँ यह यह पर जो कार्टिशियन प्लेन है हमने इनको बना दिया है कार्टिशियन प्लेन को अब यहाँ पर बाई बराबर पी एक्स लिखा हुआ है यानी पी एक्स इन ईच केस द नंबर ऑफ जीरो पी एक्स इन ईच केस अब यहाँ पर जो फंक्शन लिखा हुआ है दे आर आर नो जीरो अब जो फंक्शन है इसका मतलब क्या है मैं आपको डिटेल में बता दूँ अच्छे से जैसे एक आर्टिशन प्लेन है और ये एक्स एक्स बनी हुई है और ये बाई एक्स बनी हुई है ठीक है तो ये जो कह रहे हैं कि पी एक्स पर कोई नंबर आ रहा है ऐसे अगर इस तरह का आपके सामने कोई फिगर दे दिया जाए तो पी एक्स पर कोई फंक्शन आ रहा है तो ये जो लाइन खींची हुई है स्ट्रेट लाइन खींची हुई है ये जो एक्स एच के पैरेलल है ये एक्स एच को तो स्पर्श कर नहीं रही कोई कर्व इसमें है नहीं तो यहाँ पर कोई भी फंक्शन कोई भी जीरोस नहीं होगा देयर आर नो एज द ग्राफ डज़ नॉट इंटरसेक्ट द एक्स एच ठीक है यहाँ पर कोई नंबर नहीं होगा कोई जीरोस नहीं होगा यहां पर हमें ज्ञात करना है कि जीरोस कितने कितने आ रहे जीरो अगर इस तरह से कोई समीकरण दे दिया अब यहाँ देखो जरा ठीक है ये वो तो ना यहाँ पर आ जाएगा नो जीरोस ठीक है इसमें कोई जीरो नहीं है क्योंकि ये जो लाइन ये जो है वो एक्सच को टच नहीं कर रही ठीक अब यहाँ जरा देखो ये कर्व है ये कितनी जगह पर टच कर रहा है एक जगह पर टच करता है तो इस कि जो वैल्यू हो जाएगी द नंबर ऑफ जीरो इज वन एज द ग्राफ इंटर से एक्स एक्सेस एट वन पॉइंट ओनली यानी एक्स अक्ष पर तो इस इस आ, इस फंक्शन के इस पॉलिनोमियल फंक्शन के आपके जीरोस हो जाएंगे वन तो यहाँ लिखेंगे वन जीरो ठीक है चलिए नेक्स्ट की तरफ चलते हैं यहाँ देखिए ये यह थर्ड क्वेश्चन है यहाँ लिखा है Uh, मैं पूरी लाइन नहीं लिखा रहा हूँ लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो द नंबर ऑफ जीरो इज वन एज द ग्राफ इंटरसेक्ट एक्स एक्सेस एट द वन पॉइंट ऑनली ओके इस तरह से आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो रिवाइंड करके अब यहाँ देखो इस कार्टिशियल प्लेन में जो कर वो खिंचा हुआ है वो कितनी जगह पर एक्स एक्सेस को टच कर रहा है एक दो तीन ठीक है तीन पॉइंट पर ये टच कर रहा है यानी इसके जो पॉली इसके जो जीरोस होंगे इसकी जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो कितनी आएगी वो तीन आएगी यानी यहाँ लिखो द नंबर ऑफ जीरो मैं पूरी बात लिख दे रहा हूँ जिससे आप नोट डाउन अच्छे से कर सके द द नंबर ऑफ सॉरी द नंबर ऑफ जीरो द नंबर ऑफ जीरो इज थ्री इज थ्री एज द ग्राफ डी ग्राफ इंटरसेक्ट सेक्ट द एक्स एक्सेस एट थ्री पॉइंट ठीक है यहां पर तीन पॉइंट सो रहे हैं ठीक है इस तरीके से लैंग्वेज लिखनी है अब यहां पर देखिए दो पॉइंट यहां पर सो रहे हैं तो इसके जीरो हो जाएंगे टू ठीक है तो यहां हम लिख दे रहे हैं जीरो इज टू ओके यहां पर देखिए फोर्थ फिफ्थ है एक दो तीन चार यानी इसके जीरो की काउंटिंग अगर करें इस तरह के अगर क्वेश्चन आते हैं तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आते हैं इस तरह के जीरो आपके कितने हैं एक दो तीन चार तो जीरो इज फोर ठीक है अब यहां देखिए एक दो तीन तो ये जो आपका टच कर रहा है लास्ट है द नंबर ऑफ जीरो इज थ्री एज द ग्राफ ठीक है जीरो इज़ थ्री थ्री पॉइंट है ओके आपको समझ में आ गया फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को बताना ठीक है कमेंट करके बोलना कि इस तरीके से मेरे को प्रॉब्लम आ रही है मेरे को उस नहीं समझ में आ रहा ठीक है आप देखते रहिए विकीपीडिया चैनल हैवे नाइस डे गुड डे जय हिंद जय जा भारत आपका दिन शुभ रहे